जनपद महाराजगंज थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पशु तस्कर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए। 2 पशु तस्कर घायल हुए, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल महाराजगंज भेजा गया। उक्त प्रकरण के संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा क्या कुछ कहा सुनाते हैं विस्तार से बाबूलाल गुप्ता और घोषणा की रिपोर्ट। ये जनपद महाराजगंज के सक्सेना चौराहे पर आज पशु तस्कर और कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसमें से एक मुख्य जो पशु तस्कर है वो उसका नाम रुस्तम है, जो पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है। इसके 2 अन्य साथी भी पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। रुस्तम 2022 के मुकदमे में थाना पुरंदरपुर सेवांचल में चल रहा था और ये 25,000 का इनामिया भी है। इसके अतिरिक्त कप्तानगंज कुशीनगर में भी इसके विरुद्ध 307 और पशु तस्करी के मुकदमे हैं। अभी इसके और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।